हो, बल्कि कोई दो गिने चुने अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि दो कुछ गिने चुने व्यापारियों के लिए नहीं। जो भी आज जेएनयू के बारे में या पब्लिक फंडेड एजुकेशन के बारे में खिलाफ बात कह रहे हैं, वो दरअसल वो कोई एक इंस्टीट्यूशन या कुछ लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे, उस गरीबी का मजाक उड़ा रहे, उन वंचित दबे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जो अपने लिए बोल नहीं सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका घर उनका जमीन छीन के बोला जा रहा है कि आप पढ़ो, बोला जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है अपने घर गिरवी रखो, अपना जमीन बेचो। और ये सिलसिला अब की बार नहीं है, ये सिलसिला अंग्रेजों के दौर से चल रहा है, इसीलिए तब हम लोगों ने लड़ा था अपने पॉलिटिकल आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, आज कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक अपने जीने के आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपसे और हमसे जो चीज जरूरत है वो चीज छीना जा रहा है, जिससे आपके ऊपर और हमारे ऊपर राज किया जा रहा है, वो है नॉलेज। अगर नॉलेज गरीबों के पास नहीं है, अगर नॉलेज वंचितों के पास नहीं है, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, महिलाओं के पास, माइनॉरिटीज के पास, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए जिंदगी में, आपको नौकरी नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको समाज में एक व्यक्ति के रूप में खड़े नहीं होने देगा। वो पूरी लड़ाई उस ज्ञान के लिए है, और वो ज्ञान अगर हमारे लिए अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, एक प्रिविलेज बन के रह जाएगा, तो हम उस आर्थिक नीति को या उस नीति को खारिज करते हैं। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खारिज करना है। जो खुद मोदी जी ये बात कह रहे थे कि हम तो हार्ड वर्किंग है, हार्वर्ड से नहीं आए हैं, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेके आना चाहते हैं देश में, जेएनयू को, जामिया को और डीयू जैसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज को खत्म करके। और कैसे कर रहा है, मैं कह रहा हूँ जेएनयू में जो हो रहा है वो एक छोटा उदाहरण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ईफा का, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप सांस ले रहे, पानी पी रहे, आप रह रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है बल्कि ये सर्विस है, इसके लिए पैसा दीजिए। अरे बाप रे बाप, ये कैसे सर्विस है भाई, हमने तो ऑलरेडी आपके लिए आपको टैक्स दे चुके हैं, ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, आपका तनख्वाह हम देते हैं, आपको ये इस बात के लिए बिठाया प्रधानमंत्री और वाइस चांसलर बना के कि आप हमारे लिए काम करें, बल्कि उस कॉरपोरेट के लिए नहीं जिनको आपने पिछले 5 साल में 4 लाख करोड़ टैक्स रिबेट दिया, टैक्स देने के बाद लौटा दिया कि आप लोग दीजिए। उन बड़े कॉरपोरेट्स को पिछले 5 साल में 5.7 लाख करोड़ का बड़े लोन माफ कर दिए। मैं पूछता हूँ कितने सारे नौजवान के एजुकेशन लोन को माफ किया कोई सरकार ने? जीरो। अगर एजुकेशन लोन लेने के लिए कहा जाता है, पर जब 25,000 नौजवान पिछले 3 साल में आत्महत्या करता है नौकरी ना होने के लिए, शिक्षित ना होने के लिए, वो एजुकेशन लोन नहीं पूरा करने के, अब नहीं पे करने के लिए उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा कि खाली एकजुट होते हुए कुछ गिने चुने डीयू जेएनयू या जामिया जैसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में जेएनयू जैसे एक यूनिवर्सिटी हो, जो हर मजदूर का बच्चा जब सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो सोच के पास ना रुक जाए, बल्कि फॉर्म का पैसा भर के बोले बेटा जाओ, बेटी जाओ पढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने से या 600 करोड़ उसके विज्ञापन में खर्च करने से नहीं होगा, बल्कि जब बेटी यूनिवर्सिटी आती है ये इंश्योर करे कि वो फीस देने लायक, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन दे, वो जेएनयू देता है। इसीलिए जेएनयू से आपको नफरत है, इसीलिए आपको डीयू से नफरत है, इसीलिए आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, ताकि सामाजिक न्याय का हत्या हो जाए, ताकि एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन का हत्या हो जाए, ताकि आप आराम से जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि आज 1 लाख रुपए दीजिए, एडमिशन होने के बाद आपसे 1 करोड़ रुपए लिया जाएगा। ये अन्याय ताकि किसी के साथ ना हो, ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन किसी के साथ ना हो, ये कमोडिफिकेशन किसी के साथ ना हो। अगर कोई इंसान कमोडिटी बन जाए, मार्केट में व्यापारी इसको खरीदने लगे कि आप हमारे पास आइए, आपको बेहतरीन शिक्षा देंगे 5 लाख रुपए में, 21 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में, जहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज के लिए बोली लग जाए कि सबसे ज्यादा कौन पैसा देगा उसको ही आप नॉलेज देंगे। आप सोच लीजिए, दिस इज नॉट फॉर द 99% बट इट्स ओनली फॉर द 1%।
जो बाकी 99% के लिए नहीं है वो पॉलिसी कभी जनता के हित में नहीं होगा। कई सारे पत्रकार हमसे पूछ रहे थे क्या मोदी विरोधी है, हमने बोला किसी के विरोधी नहीं है, हम जनता के पक्ष में खड़े हैं। अगर कोई जनता के खिलाफ काम करता है तो हम उसके विपक्ष हैं। अगर आज स्टूडेंट छात्र और इस देश के आम जनता के खिलाफ अगर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में फीस खो रहा है हम उसके खिलाफ है। वो 1,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, 3,000 रुपए, 30,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1 रुपए भी हो उसको वापस करना ही पड़ेगा। और बस एक ही बात खत्म करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बाकी स्पीकर है कल बाबीडाला जगदीश कुमार और एमएच चांडी का जो सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वो ट्वीट और उनका प्रेस रिलीज देखे मैं हंसू या रोऊ मुझे नहीं समझ में आया, मैं दोनों कर लिया था, रो रो के हंस लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम 50% डिस्काउंट देंगे बीपीएल के परिवार वालों के लिए फीस से। हमने बोला डिस्काउंट पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये कहां से लाए। दरअसल अगर आप उसको देखेंगे ये बीपीएल के छात्रों के लिए भी 50% डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि 50% फी हाइक ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए, और कह रहा 100 रुपए हमने बढ़ा दिया आपका, आप 50 रुपए मत दीजिए, 50 रुपए ही दीजिए। ये कितना मजेदार बात है। और दूसरी, अब बीपीएल है कौन इस देश में, दिन का 75 रुपीज, महीने का 2,250 रुपीज, साल का 27,000 रुपीज से कम कमाने वाला परिवार से अगर कोई आता है वो बीपीएल है। आंकड़ा ही मजेदार है। अगर इस देश का आम जनता 30 या 35 हजार जो जेएनयू का फीस देता है अगर वो 27,000 आम साल में कमा रहा है तो उनको 7,000 रुपए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है उस जेएनयू में ऑलरेडी पढ़ने के लिए, और उनका 15,000 ऑलरेडी फीस बढ़ा दे रहे हैं। कितना शर्मनाक है। ये बीपीएल नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन का ये बेचो पब्लिसिटी लाइन है मीडिया के लिए ताकि प्रोपेगेंडा हो जाए, इसीलिए ये बेचो पब्लिसिटी लाइन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम कंप्लीट रोल बैक फॉर एवरीवन, इस जेएनयू में नहीं बल्कि उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पे भी फी हाइक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उन सारे लोगों के साथ खड़े हैं, उनके साथ लड़ लेंगे। और इसी IITs के साथ जो एमटेक का फीस बढ़े हैं IITs के छात्रों ने भी लड़ा है, और IIMs के साथ ये सारा चीज हम एक साथ लड़ते हुए एक ही बात बोलेंगे, किसी का फी हाइक नहीं होगा। जब हमारा टैक्स ऑलरेडी बढ़ रहा है और उसका पैसा हमने दिया, आपका तनख्वाह भी बढ़ चुका है, हमारा फी हाइक नहीं हो सकता है, बल्कि हमारे यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगे, हमारा नौकरियां बढ़ेंगे, हमारी रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।